Quack, quack, quack. क्या कर लियो यहाँ पे, मस्ती करती हूँ, मस्ती मस्ती मस्ती। चीकू रेडी हो रही हैं और इधर मैंने सारे स्टफ फैला के रखे। ये सारे वही कपड़े हैं जो अभी रिसेंटली मैंने आपको फर्स्ट क्राई विंटर हॉल में दिखाए थे। ओके, सो मैं सारे कपड़ों को अनपैक करूंगी, देन उसके बाद वॉश करूंगी, अच्छे से धूप दिखाने के बाद में फिर चीकू पहनेंगी। La 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 बेबी हो या फिर न्यू बॉर्न बेबी, उनके इतने सारे कपड़े होते हैं कि बस धोना, फैलाना, सुखाना, उठाना, फोल्ड करके रखना, आयरन करना, ओ माय गॉड, इतना सारा काम हो जाता है सिर्फ बच्चों का। अपना, हस्बैंड का, घर का और सारा काम तो बस छोड़ ही दो। कितनी बार सोचा कि एक मेड और रख लेती हूँ, हाउस हेल्पर रख लेती हूँ, या फिर स्पेशली किसी एक टास्क के लिए कोई पर्टिकुलर मेड रख लेती हूँ, लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो गया, या तो मुझे मेड नहीं मिल रही या फिर मेड को मैं नहीं मिल रही हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और छोटे छोटे से चीज़ों पर बहुत ज़्यादा स्पेंड करना मुझे तो बिल्कुल यूज़लेस लगता है। स्टिल अनिका, अनविका के पापा बोलते हैं कि मैं एक फुल डे मेड रख लूँ हेल्प के लिए और उन्हें पे करना मुझे वर्थ भी रहेगा क्योंकि पूरा दिन वो हमारे यहाँ काम करेंगे, बट पता नहीं क्यों मैं अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि पास्ट में एक एक्सपीरियंस रहा ही है फुल डे मेड का और आराम की जगह मेरी तो दिक्कत ही बढ़ गई थी। अरे पता है मज़ेदार बात क्या बताऊँ, चीकू को ना आजकल टेंट्रम्स होने लग गए, उसे कुछ नहीं मिलता है, समझ में नहीं आता तो वो शाउट करती है, देखो जरा। नो 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 ये देखो, ये चीकू ऐसे करके खिसकती है, अभी तो ये मैट्रेस है, फ्लोर पे लेटा हो तो अच्छे से खिसक जाती है, मतलब थोड़ा आगे तक निकल जाती है। आज है देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह और आज के दिन से मेरी बहुत ही प्यारी सी याद जुड़ी है। ओ फूल की आ चुकी है, नहीं पूरी आ चुकी है, पानी बन चुका है और मटर भी बन चुकी है। तो मटर बनाते हैं, मालूम नहीं बनाते हैं, मटर अच्छी लगती है हमारे साइड की, फुल्की के साथ इसे हम फुल्की कहते हैं, आप क्या कहते हैं हमें बताना जरूर। बांटती है पोजेसिव होती है। तुम कैसे चिल्लाती हो चीकू?
चीकू के लिए मैट लेनी है, प्लेइंग मैट। चलो चलो उठो, हटो बैठो। Crazy girl. आलो नहीं ना आ जाओ। वो पुचका ये लीजिए, लीजिए मैडम जल्दी खाइए। खट्टा पानी, तीखा पानी, मीठा पानी। Wow, this is tempting. आप लोग मुझसे पूछ रहे थे फॉर्मूला मिल्क के बारे में ना, तो ये फॉर्मूला मिल्क हमें हॉस्पिटल से ही सजेस्ट किया गया था, रिकमेंड किया गया। तो जो हमने परचेज़ किया था टिन पैक, ये कार्डबोर्ड पैक है जो मैं अभी मंगवाई हूँ, और डिटेल्स आपको यहाँ दिखी सकती हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल क्या है। और जो टिन पैक था वो जब चीकू हुई थी तब का है, जो हमने यूज़ ही नहीं किया कभी, शायद ही 2-3 स्पून यूज़ हुआ होगा, और उसके बाद एज इट इज़ रखा था, जो कि अब एक्सपायर हो चुका है ओपन होने के बाद। हाय एवरीवन, आई एम हेयर फॉर एन इम्पॉर्टेंट अपडेट। मुझे ऐसा लगा कि ये जो इम्पॉर्टेंट अपडेट है विद अदर माइलस्टोन जो बेबी के हैं, बताना ज़रूरी है, शेयर करना ज़रूरी हो सकता है कि आपके साथ भी ये सब चीज़ें हो रही हों और आप भी कहीं ना कहीं परेशान हों। सो अभी तक चीकू को 4 मंथ्स हो चुके हैं, 10 डेज हो गए हैं, डिलीवरी को भी मेरा सेम टाइम हो गया है। सो अभी तक लाइक एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड, लेकिन 10 डेज जो मैंने आपको बताया कि 4 मंथ्स कम्प्लीट होते ही मुझे आई गॉट माई पीरियड्स बैक, आई टोल्ड यू, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर भी बताया था और ब्लॉग में भी बताया था। सो उसके बाद लाइक मैं ऑब्जर्व कर रही थी, बहुत सारे नए नए चेंजेस मेरे बॉडी में हो ही रहते और होते भी हैं जब हम डिलीवरी के बाद हमारे जो पीरियड्स हैं वो वापस आते हैं, हमारी बॉडी जो है वो वापस से पुराने वाले मोड में वापस से जाना शुरू कर देती है। कुछ लोगों में ये चीज़ें जल्दी होती है, कुछ लोगों में ये चीज़ें बाद में होती हैं। एंड ऑल्सो आप जितना ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कराओगे, अच्छे से कराओगे, उतना ही देरी से आपके पीरियड्स आते हैं, ये भी चीज़ ट्रू है, और ऐसा मेरा फर्स्ट टाइम में एक्सपीरियंस रह चुका है, सो आई कैन अंडरस्टैंड द फैक्ट। सो इस बार क्या हुआ कि आई डोंट नो क्यों आया, डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आएगा, ऑन एंड ऑफ होता ही रहेगा बिकॉज मेरी सेकेंड वेजाइनल डिलीवरी है, सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि मुझे ये जो चीज़ है या हो सकता है मेरे प्रॉपर पीरियड्स जल्दी शुरू हो जाए, उन्होंने पहले ही बोला था। फिर ऑल ऑफ अ सडन अभी हुआ, 4 मंथ्स कम्प्लीट होने के पहले ही हुआ, जस्ट 18th of October की बात है, मुझे मेरे पीरियड्स आए। सो पीरियड्स आने के बाद सबसे ज़्यादा मेजर चीज़ जो इफेक्ट होती है और आपको दिखाई भी देती है, वो होता है ब्रेस्ट फीड का डिक्रीज हो जाना। स्लोली होता है, पहले जल्दी जल्दी नहीं होगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फीड डिक्रीज होगा और आप समझ भी नहीं पाओगे कि ऐसा हो रहा है, कि ब्रेस्ट फीड जब बेबी को हम देते हैं तो उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, है ना, अगर जब तक हमने एक्सप्रेस नहीं किया है तो, या तो हमें आइडिया हो कि कितना आ रहा है और कितना बेबी इनटेक ले रहा है, बेबी का टमी फुल हो रहा है या नहीं। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, धीरे धीरे जो फीड था वो शायद कम आना लगा, और चीकू लाइक ओवरनाइट सो जाती थी फीड लेने के बाद, प्रॉपर फीड लेती थी सो जाती थी, लेकिन इधर लगभग 5 to 6 days कि वो रात में एक बार उठने लग गई भूख के लिए, उसको भूख लगी, देन मुझे लगा कि पता नहीं कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर हो सकता है कभी कभी बच्चों को भूख लग जाती है, देन धीरे धीरे ये चीज़ें रोज होने लग गई। दूसरे दिन भी उठी, तीसरे दिन भी उठी, और नेक्स्ट 4th डे तो 2 बार उठी, फिर एकदम मॉर्निंग में उठ गई और सो नहीं रही थी, फिर उठ गई, ऐसा हुआ लाइक 4 to 5 डेज ऐसा हुआ, फिर 6 डे, दिन में भी कई बार हुआ, इवनिंग में भी कई बार हुआ, और लाइक फीड प्रॉपर नहीं मिलने के बाद चिड़चिड़ाना, बहुत चिल्ला चिल्ला के रोना, बहुत गुस्सा करके रोना। मैं सोचती थी यार फीड तो मैंने दे दिया है हमेशा की तरह, ऐसा अभी क्यों नहीं हो रहा, अभी वो क्यों इतना कर रही है, मैं बहुत परेशान थी। देन आई रियलाइज कि अब फीड सफिशिएंट नहीं है, एंड अभी मेरी डॉक्टर की विजिट भी है,
मैंने डिसाइड किया मैं जाकर के बात करूँगी और लैक्टेशन एक्सपर्ट से भी बात करूँगी. क्या कई सारे रीज़न हैं फीट कम आने के भी. एक तो पीरियड्स की वजह से भी होता है. अभी मेरी जो लाइफस्टाइल है बहुत बिजी हो गई, बहुत मैसी हो गई है. डाइट प्रॉपर नहीं चल पा रही, हो ही नहीं पा रही. आप देख रहे हो कि मैं किसी जगह पे पूरा टाइम नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि बेबी ग्रो हो चुकी है एंड शी नीड्स माय अटेंशन. उसे मेरे टाइम चाहिए, अटेंशन चाहिए, वो चाहिए, प्यार चाहिए ऑल द टाइम. तो अब वो समझने लग गई है तो मेरे हाथ में नहीं रह गई हैं चीज़ें, बाहर जा चुकी हैं. तो अकेले हर चीज़ झांसी की रानी बन करके मैनेज करना इट इज़ लाइक क्वाइट इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता है. एंड कोई भी उस लेवल का सुपर वूमेन नहीं होता है. कितना भी कुछ भी खाओगे तो खाने के लिए बनाना तो पड़ेगा ही ना. आप रॉ स्टफ भी अगर खा रहे हो तो भी आप लाइक जब रूटीन गड़बड़ है तो फिर टाइम से आपको चीज़ें जो इनटेक आपको चाहिए था, प्रोटीन इनटेक, वाटर इनटेक, वो सब चीज़ प्रॉपर नहीं हो पाती. और इधर मुझे ऐसा लग रहा है 20 डेज, क्योंकि ट्रैवलिंग भी थी बीच में, दो जगह ट्रैवलिंग भी थी, देन मेरे पीरियड्स भी आ गए उसमें ही, फेस्टिवल्स भी थे और जो मेरी मेड थी वो भी चले गई थी. तो इधर भी जो पूरा एक महीना जो मेरा रूटीन था वो बहुत डिस्टर्ब रहा. मैं ठीक से खा पी भी नहीं पाई, मेरी लाइफस्टाइल भी डिस्टर्ब हो गई और इन सब चीज़ों की वजह से मेंटली स्ट्रेस, थकान, सब कुछ हुआ. तो वो सब चीज़ का असर पड़ता है बॉडी पर और ब्रेस्ट मिल्क पर भी असर पड़ता है. सो आई गेस सारा कॉम्बिनेशन अगर मैं मिला के देखूँ तो कुछ ऐसा हुआ होगा मे बी. अब डॉक्टर से बात करेंगे तो पता चलेगा क्या है. तो लाइक उतना नहीं है फीड जितना पहले था, उतना नहीं है. आप लोग पूछ रहे थे कि बेबी को फॉर्मूला मिल्क देती हूँ या नहीं देती हूँ मैं, तो अभी तक मैं नहीं दे रही थी. ऑनेस्टली स्पीकिंग बिल्कुल मैंने नहीं दिया. ये जो बॉक्स मेरे पास रखा हुआ है पूरा फुल है. सिर्फ थोड़ा सा यूज़ हुआ था स्टार्टिंग में जब चीकू डिलीवर हुई थी, उस टाइम पर स्टार्टिंग के 2 डेज मुझे सिक्रेशन नहीं था, फीड नहीं आया था. तब हमने ये जो पाउडर है, जो फॉर्मूला है, डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर ही दिया था ध्यान में रखते हुए. उसके बाद से ये डब्बा ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ था. और अब ये टाइम था आज मुझे जब नीड पड़ी तो मैंने ध्यान नहीं दिया. और जब मैंने इसका बॉक्स चेक किया तो उसमें बताया था कि विद इन 3 वीक्स मुझे ये वाला पैक यूज़ कर ही लेना है क्योंकि फॉर्मूला है तो ये ज़्यादा दिन तक स्टे कर नहीं सकता, ख़राब हो जाता है. सो ये हो गया ख़राब और हो ही जाता है. तो ख़राब फॉर्मूला तो हम नहीं यूज़ कर सकते ना. ये देखो ये हो चुका है पूरी तरीके से ख़राब. तो फिर मैंने पूरा पूरा डब्बा वैसे का वैसे ही है लेकिन ये ख़राब हो चुका है. तो इसे हम यूज़ नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए बिल्कुल. दया माया मत करिए. एक्सपायरी डेट है 23 मई 2023 लेकिन अभी क्योंकि ये डेड हो चुका है तो इसे भी यूज़ नहीं करेंगे. सो नया फॉर्मूला मिल्क मंगाया गया है, अभी बनाऊंगी. अभी चीकू रो रो करके सो गई. वो देखो वो देखी कि नहीं, देखी कि नहीं, ये देखो सो रही है. तो ये इतना रोई और वो सो गई. उसे बहुत भूख लगी थी. अब उसे उठाऊंगी और मैं फीड कराऊंगी, देखती हूँ वो लेती है कि नहीं फॉर्मूला. फीड तो उसने लेना बिल्कुल भी बंद ही कर दिया था जब से ब्रेस्ट फीड स्टार्ट हुआ था. मैंने एक दो बारी ट्राई किया उसे देने का जब मेरी मसाज हो रही होती थी, तब मैंने फिर ब्रेस्ट पंप से पंप करके रखना स्टार्ट कर दिया था मिल्क. तो अभी वो लेती है कि नहीं मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है. एंड देन ऑल्सो मैं अपनी डाइट पर फोकस करती हूँ कि एज सून एज पॉसिबल मैं ये जो ब्रेस्ट फीड था मेरा वो उससे मैं वापस से गेन कर लूँ उसके लिए, बिकॉज अभी वो इम्पॉर्टेंट है. फॉर्मूला फीड इस काइंड ऑफ आर्टिफिशियल फीड तो ठीक है वो बैलेंस कर देता है चीज़ों को, लेकिन जो इम्पोर्टेंस मदर मिल्क की होती है वो तो कहीं नहीं मैच कर सकता ना फॉर्मूला. सो लेट्स सी क्या होता है. ओ गॉड, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा. आई वॉज वेरी हैप्पी, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आगे भी अच्छा चलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सब कुछ हमेशा ही अच्छा चले. एनीवेज मैं पीरियड्स आफ्टर डिलीवरी इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो भी लेकर के आऊँगी क्योंकि बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे मिली है, मैंने ऑब्जर्व करी और आपके साथ मुझे शेयर करना चाहिए मुझे ऐसा लगता है. और आपका जाना भी ज़रूरी है, अवेयरनेस ज़रूरी है एज अ फर्स्ट टाइम मॉम. सो लाइफ हैज़ फन. तो यहाँ मैं बना रही हूँ 160 ml मिल्क और यूज़ कर रही हूँ मैं उसके लिए 6 स्पून. फॉर्मूला बनाने के लिए जब भी आप मिल्क प्रिपेयर करें तो जो पानी है वो अच्छे से गर्म किया हुआ हो, गर्म करके आप उसे लूक फॉर्म कर लीजिए यानी कि पीने लायक कर लीजिए.
और जितनी क्वांटिटी आपको बनानी है, वैसे तो पैकेट पे सारी डिटेल्स दी हुई होती हैं, लेकिन अभी अन्विका 4 मंथ्स की हो गई है तो उसके अकॉर्डिंगली जो मेजरमेंट दिए हुए थे उसी मेजरमेंट के हिसाब से, उसी रेशियो के हिसाब से मैं मिल्क प्रिपेयर कर रही हूँ। 6 स्पून मिल्क पाउडर लिया है और 160 ml वाटर के साथ में ये जो प्रिपरेशन है वो मैं कर रही हूँ। बॉटल में पानी डालना है, बॉटल की लिड लगा दीजिए, निपल वगैरह लगा दीजिए और फिर इसे आपको शेक करना है प्रॉपरली, जिससे कि मिल्क बन सके और जो पाउडर है, मिल्क पाउडर है, वो पानी में अच्छे से घुल जाए, डिसॉल्व हो जाए। प्लीज 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 ले लो। प्लीज ले लो ले लो। पियो पियो पियो, उल्टी मत करो, पियो। आया आया एरोप्लेन 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 से कौन जा रहा है रानी हाउस। ये वाला तो नहीं लिया इस बॉटल से, फिर इसका मिल्क इसमें ट्रांसफर किया है इस वाली बॉटल में जो उसकी पहली बॉटल रही है। फर्स्ट लेट्स सी क्या होता है। हाँ प्लीज ले लो प्लीज चीकू। बस 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 हाँ वही है मम्मा वाला ही है मम्मा वाला ही है मम्मा वाला मम्मा वाला। कंप्लीटली रिजेक्टेड, नहीं नहीं लिया, लिया ही नहीं। मुंह में नहीं मुंह में नहीं मुंह में नहीं मुंह में नहीं।